ये चीजें मुझसे भी काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि मिस हमें एनएमडीकेट में एनवायरमेंट कंपेरिजन करके बता दें, या फिर कौन सा ज्यादा आसान है, या फिर कहाँ पे एडमिशन ज्यादा आसानी से होता है। सो मैं यही बोलती हूँ कि एनवायरमेंट में और एनएमडीकेट में ऐसे मेरे हिसाब से फर्क होता है। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। बस ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स को, किसी को एनवायरमेंट बहुत आसान लगता है, किसी को एनएमडीकेट आसान लगता है। अगेन ये डिपेंड करता है बिकॉज आपको एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिक से होता है, यानी उसमें आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। एनएमडीकेट थोड़ा सा मिक्सचर होता है, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जितने हमने देखे वो रट्टा बेस होते हैं। आपको थ्योरी और आपके बुक की लाइन और आपको पर्टिकुलर जो बुक्स बता दी जाती है वो आपको पूरी पूरी रट्टा लगानी होती है। सो बाकी जो है कॉम्पिटिशन दोनों में है, एग्जाम दोनों मुश्किल होता है, सीट्स दोनों में लिमिटेड होती है। सो अगेन ये चीज एक स्टूडेंट की अपने ऊपर डिपेंड करती है कि उसको जो है किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के जो है सिनेरियो ज्यादा आसान है। बट स्टिल यानी कि आईमेट मेरे हिसाब से इस चीज में ज्यादा सही है कि आपको जो है जैसे एनएमडीकेट में बहुत से जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं हमें पता है जिन्होंने दिए कि आपको एग्जाम्स में अच्छा आता, स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि मार्क्स आने के बाद भी वो बोलते हैं कि भाई हाँ इतने मार्क्स हैं हमारे, लेकिन ना हमने तो पेपर सही किया था, पता नहीं मार्क्स कहाँ चले गए। और ये वो और हमें पता भी है कि पाकिस्तान में ऊंच नीच हो भी सकती है, नहीं सकती हो भी सकती है। सो ये सीन जो है ये आईमेट में नहीं बनता, क्योंकि आईमेट में जो है आपको जो है जब आपका रिजल्ट आता है तो साथ में आपका आपकी आंसर शीट भी दी जाती है, आपकी अपनी आंसर शीट, साथ में आप क्वेश्चन के आंसर्स भी जो सही आंसर है वो बता दिए जाते हैं। तो आपको आप अपने खुद आंसर्स मैच करके अपनी तसल्ली कर सकते हो। तो एक भी नंबर ऊपर नीचे ये लोग कर नहीं सकते, इंटरनेशनल सिस्टम है उस हिसाब से भी अच्छा है पाकिस्तान से। सो ये लोग आपको आपकी ये चीज मुझे इनकी मदद लगी कि आपकी आंसर शीट आपके हाथ में जाती है। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी पास कर रहे हो तो आप अपने आंसर्स देख के ये नजर लगा सकते हो कि आपने कहाँ पे कितनी गलती है और कितनी कसर छोड़ी है अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हो।